आदिवासी सम्मान का बात किया जाता है और परिणाम सामने आता है। आजकल तो दिल्ली घूम रहे हैं, दिल्ली से क्या मंत्र लेके आते हैं, क्योंकि दिल्ली के पहले वो आसाम भी गए थे, वहां पर भी ईडी ने भाजपा का एक नया नेता पैदा किया था, जो भी वहां के मुख्यमंत्री हैं, हिमंता विश्व शर्मा। और हमको लगता है कि इनके भी भाजपा में जाने के पीछे कहीं ना कहीं कोई फोन कॉल आया होगा हिनू के दफ्तर से कि भाजपा में जाओ तो बचोगे। अब तो भाजपा ने अपना अध्यक्ष बनाया है, कम से कम विधायक दल का नेता तो चुन लेते अब। साढ़े तीन साल हो गए विधायक दल का नेता नहीं हो पाया। हम तो बार बार कहते रहे कि सबसे अनुभवी जो है उनको नेता बना दीजिए। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो चेहरा है, जो काम करने का जो उनका तरीका है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसका खुलासा किया है। और अब भी बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग के माध्यम से, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से, जिसमें यह टारगेट किया जा रहा है कि जो भाजपा के विपक्ष में जो लोग खड़े हैं उनको परेशान किया जाए। धन्यवाद। कोई सवाल यदि आपके देश में आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला जाएगा और गुजरात पैटर्न तो अब सामने आ ही गया कि एक ही भाषा जो लोअर कोर्ट बोलती है, सेशन कोर्ट बोलती है, वही हाई कोर्ट कहती है। हाई कोर्ट तो थोड़ा आगे जाके बोलती है, तो उस पर भी हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट विवेचना करेगा ही। कांग्रेस का आज मौन व्रत है, अपना उनका विरोध का अपना कार्यक्रम है। 17-18 को हम लोग सबको एक साथ बैठेंगे, 24 दल, और उस वक्त जो रणनीति तय होगी उसके बाद कुछ कार्यक्रम संयुक्त रूप से भी हो सकते हैं। सर, एक सवाल है, बीजेपी की तरफ से लगातार ये पूछा जा रहा है, क्या अभी पंकज मिश्रा जी सीएम साहब के विधायक प्रतिनिधि के तौर पर हैं? देखिए, हास्यास्पद चीजें का उत्तर दिया जाता है क्या? क्या हम लोग अभी आप पूछेंगे कि बाबूलाल जी को आपने किस हिसाब से लाया है, जबकि वो जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़के हैं?
ये बेमतलब सवाल। दादा एक सवाल और है, कांग्रेस के कार्यक्रम में योगेंद्र साव जी पहुंचे हुए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अच्छे इंसान है, अच्छा बिहेवियर है उनका, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत समय में बहुत व्यक्तिगत कुछ चीजें होती है जो हमेशा शायद पूरी नहीं हो पाती होगी, तो इस तरह से बातें आती है, अन्यथा वो हमारे सहयोगी साथी है, उनकी सुपुत्री योग्य जनप्रतिनिधि है, समय समय पर जन आकांक्षाओं को लेकर वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलती रहती हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये उनका कोई निजी अनुभव से कहा हुआ बयान हो।